दोस्तों आपको बताएं, इंडिया में करीब 70,000 अस्पताल हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला करके। अगर इसे हम इंडिया की पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो 20,000 लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही अस्पताल है। यहाँ पे मैं बड़े अस्पताल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। छोटे क्लिनिक्स बहुत सारे होंगे, लेकिन अस्पताल की बात करें तो एक अस्पताल 20,000 लोगों के लिए है। ये जो नंबर्स है वो बहुत ही कम है। ये जो डेटा की बात कर रहा हूँ वो कोविड-19 के टाइम का डेटा है, लेकिन अभी भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, सिर्फ 2 साल हुए हैं। सो इंडिया में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा अस्पताल चाहिए। इस इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो फिर भी आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो एज अ मैनेजमेंट प्रोफेशनल। दोस्तों एक हॉस्पिटल जो होता है उसे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, लोगों को मैनेज करना है, स्टाफ को मैनेज करना होता है, उसके अलावा मेडिसिन है, इक्विपमेंट्स है, इस तरीके के मटेरियल्स को मैनेज करना होता है, फिर जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको भी मैनेज करना होता है, उसके अलावा गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपडेटेड रहना होता है और उस तरीके से हॉस्पिटल को चलाना होता है। सो ये सारे जो काम है वो मेडिकल प्रोफेशनल्स के लोग नहीं करते, ये काम करने के लिए होते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। सो आप एज अ मैनेजमेंट प्रोफेशनल इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हो और एक अच्छा खासा करियर बना सकते हो। यहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप BBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर सकते हो। ये एक 3 साल का कोर्स है। साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम में हो आप ये कोर्स कर सकते हो। यहाँ पे इस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी, सो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक कॉमर्स और मैनेजमेंट के रिलेटेड बेसिक सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, HR मैनेजमेंट है, स्टैटिस्टिक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि क्लिनिकल सर्विसेज है, मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन है, उसके अलावा इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, उसके अलावा एथिक्स एंड इश्यूज़ इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इस तरीके के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे ताकि आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री को अच्छे से मैनेज कर सको। दोस्तों इस इंडस्ट्री में ये कोर्स करने के बाद में किस तरीके का जॉब मिलेगा और कहाँ पे जॉब मिलेगा, सो आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको एज अ हेल्थ केयर मैनेजर या फिर एज अ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर या फिर आपको एज अ हेल्थ केयर एनालिस्ट, इस तरीके का जॉब यहाँ पे आपको मिल सकता है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी कम रहेगी, अराउंड 20,000 से लेकर 25,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे वैसे आपकी सैलरी भी ग्रो करेगी। आप महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए यहाँ पे आपकी सैलरी आराम से आप कमा सकते हो कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद में। सो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके काम की हो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जो इस तरीके का काम करना चाहते हैं और इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं।